भाई यार रुका रुका, दुश्मन तो मुझे क्या मारेगा, तुम अपने राजा को मारने में लगे हुए हो यार। देखो ये तलवार है, तलवार को तलवार पे मारते हैं, काठी पे नहीं मारते किसी के, समझ आई। मैं राजकुमार कप्पू को सारी युद्ध की रणनीति समझाता हूँ, तुम जाओ और किला बंदी शुरू करो, जाओ अंदर, यलगार हो, इडिया जो हो, बाजीगर हो, कुछ कुछ होता हो। ये जो तुमने बात की है ना, इसी पे एक छोटा सा युद्ध बनता है हमारा अभी के अभी, समझ आई, चलो अंदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेशेंट्स एंड इम्पेशेंट्स, द कपिल शर्मा शो। एक मिनट, मैं राजकुमार कपूर को फोन लगाता हूँ। नहीं, वाकी टाकी कर लेते। हेलो राजकुमार कपूर, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? राजकुमार कपूर, मेरी आवाज़ आ रही है? एक मिनट रुको, मैं फोन लगाता हूँ। हेलो, मैंने मिस कॉल दिया, कॉल बैक कर रहा हूँ। हेलो, एक मिनट, हेलो, किधर से बोल रहे हो यार, बताओ कौन से फोन से बोल रहे हो? मैंने कॉल लगाया कि तुमने लगाया? मेरा फोन तो नहीं लगा हुआ ना, तुमने किया ना। हेलो 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 डॉक्टर साहब, हाँ हाँ आवाज आ रही है, थोड़ा और जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो, अभी लात भी आएगी। आप क्या कर रही है? Hey, Prince Kapu, how are you? मेरे कॉल को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे तो? कौन से कॉल का रिस्पॉन्ड करूं? कहां पे किया आपने मेरे को फोन? अरे मैंने तुमको किया ना, तो ये वॉकी तो आप ही के पास है ना, डुलटरू मेरे को थोड़ी ना दिया आपने। क्या क्या खाली हाथ से फोन उठालूं आपका? खैर तुम ये बताओ, युद्ध के लिए तैयार हो? बहुत तैयारियां मैंने कर ली है, पागल सुअर पकड़ने वाली गाड़ी बुलाई है, छुप सकते हो तो छुप जाओ। और ये क्या पहन के घूम रहे हैं आप, ये किस किस स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं आप? स्कर्ट नहीं है, ये युद्ध की ड्रेस है। मैंने सुना है कि हमारे मोहल्ले में कोई बादशाह अटैक करने वाला है, लेकिन आज मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उसकी विजय यात्रा को यहीं रोक दूं। एक बात बताओ डॉक्टर साहब। हाँ जी। अपने मरीजों के लूज मोशन तो आपसे रुकते नहीं, तो आप उसकी विजय यात्रा कैसे रोकेंगे आप? There is a reason, सिद्धू साहब। क्या? आप जोर लगा के युद्ध तो रोक सकते हो, लेकिन लूज मोशन में अगर जोर लगाया तो बात फैल जाती है। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हें कौन सा हथियार चलाना आता है? मैं हथियार क्यों चलाऊंगा, इतना अच्छा शो चल रहा है हफ्ते में दो दिन, तो क्यों हथियार चलाए हम? एक बात याद रखो कप्पू, जान चाहे चली जाए लेकिन दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखानी। बिल्कुल नहीं दिखानी, आपकी तो किसी ने देखनी भी नहीं, जेनिफर लोपेज़ छोड़े ना आप, कि आपकी पीठ देख के कोई खुश होगा। लगता है बहुत बड़ी सेना आ रही है कप्पू, तुम मेरे बारे में मत बताना कि मैं कहाँ रहता हूँ। एक काम करो, वहां लिख के लगा दो कि डॉक्टर मशहूर लाठी जा रहा था। ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये लेके जाओ अपना। और देखो ये होता है योद्धा, पीठ दिखा के नहीं जा रहा। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट के लिए। तो शाहरुख भाई आज पहली बार हमारे सेट पे आए हैं, हालांकि ये शो की शुरुआत शाहरुख भाई ने ही दिल्ली में की थी। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, आलिया आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा मुझे जब भी शाहरुख भाई आते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी टेंशन कम हो गई है, क्योंकि शाहरुख भाई जब भी आते हैं इनका करिश्मा ऐसा है, इनका ऑरा ऐसा है कि पता नहीं एपिसोड कब निकल जाता है। भाई वी लव यू सो मच। नो थैंक यू, आई आल्सो लव यू। आलिया जी, आप शाहरुख भाई के साथ फर्स्ट टाइम फिल्म कर रही हैं जी, हाउ यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट व्हाट राइट नाउ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी? ये मैं सब समझ गया, ये शाहरुख भाई के साथ एक फिल्म करने का नतीजा है, लड़की बहुत शातिर हो गई है। शाहरुख भाई आप हेमा जी और फराह खान के बाद ये तीसरी डायरेक्टर हैं, फीमेल डायरेक्टर, जिनकी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, गौरी शिंदे जी। भाई कभी भाभी के डायरेक्शन में काम करने का हमें मतलब देखने को मिलेगा कभी? जैसी मेरी फिल्में चल रही हैं अब लगता है वही डायरेक्ट करेगी, दूसरा कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं। आइए शाहरुख भाई, आलिया प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। शाहरुख भाई और आलिया की फिल्म आ रही है डियर जिंदगी, जिसमें आलिया के तीन ब्रेकअप हुए हैं। आलिया वो कहानी में थे तीन ब्रेकअप के, आपको वो कास्टिंग पसंद नहीं आई थी? एक्चुअली क्या हुआ था ना,
मुझे कहा गया था कि आप उन लड़कों में से एक होगे, तो एक सेमी मिली, तो फिर मुझे लगा कि कपिल आएगा, नहीं आया, फिर एक और ब्रेकअप हुआ, फिर भी कपिल नहीं आया, फिर फाइनली शाहरुख खान आ गए, तो मैंने कहा मेरे को कोई नहीं चाहिए। पहले ही दो लाइनों में मुझे लगा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, तीसरी में बड़ी शानदार बेइज्जती की आपने। तो अगर इतने ब्रेकअप हुए तो फिल्म का नाम डियर जिंदगी, मतलब डियर जिंदगी कैसे? आई थिंक ब्रेकअप होने के बाद ही जिंदगी डियर बन जाती है, ये मिसकंसेप्शन है कि मतलब जब रिलेशनशिप में हो तो जिंदगी डियर है। भाई क्या खिलाया आपने इसको? आलिया तो मतलब फुल ऑन फॉर्म में आज। नहीं, मैं एक्साइटेड हूं आपसे मिलकर यहां के, मैं पहली बार आई हूं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो स्वीट आलिया, आती रहना, अच्छा लगता है। अजी आलिया का ये कहना है कि आलिया को एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा हो, तो बड़ा अच्छा 3 की रेटिंग वाला शो चल रहा है, क्या ख्याल है आपका? पर शाहरुख भाई के साथ जब भी कोई एक्ट्रेस फिल्म साइन करती है तो सबके मन में ये होता है कि हाय शाहरुख के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। इस फिल्म में डियर जिंदगी में शाहरुख भाई का आलिया का कोई लव एंगल है ही नहीं, तो इसमें किसको ज्यादा बुरा लगा, आलिया आपको कि शाहरुख भाई आपको? मुझे तो, मैं तो बच्ची समझ के गोद में लेके घूमता रहता था। उम्र की आड़ में मैंने सब कर लिया, मेरी कोई बात नहीं। आलिया पूरी स्क्रिप्ट तो आपने बाद में सुनी होगी, पहले तो किसी ने आपको बताया होगा कि आपको और शाहरुख को लेके आइडिया है मन में? नहीं। हाँ हाँ तो पहले मैंने स्क्रिप्ट सुनी, हाँ मुझे पता था कि वो उनके पास भी जाने वाले हैं, पर पता नहीं था कि वो हाँ कहेंगे या नहीं। अच्छा, तो मैंने हाँ कहने के बाद ही मुझे पता चला कि ये भी करने वाले। मैं गई थी उनके घर पे गीले बाल के साथ और मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि मेरे बाल गीले थे, फिर उन्होंने कहा कि मेरे भी बाल गीले हैं तो तुम आ जाओ। यार ख्यालात मिलते जुलते तब से, ये मेरा लड़कियों को पटाने का तरीका है यार, जो वो कर रही होती है मैं उस वक्त कर लेता हूँ। मैंने ये भी कहा कि अगर ऐसी ऐसी छोड़ना रोमांटिक हीरो में ये तो है। एक लड़की को मैंने ऐसा भी कहा था कि तुम आ जाओ साथ में बाल गीले करते हैं। इसको नहीं कहा, इसको नहीं कहा। पर एक बात तो है, आपने पहली फिल्म शाहरुख भाई के साथ की और पहली फिल्म में आपको रोमांस करने का मौका नहीं मिला, वो आपको एडवाइस देते नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको ये मौका आज अपने शो पे देते हैं शाहरुख भाई के वन ऑफ द फेमस सॉन्ग के ऊपर, प्लीज। हमारे पास मूड लाइटिंग भी आ लिया, हमने बहुत खर्चा किया इस शो पे, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स, ग्रीन येलो ब्लू, म्यूजिक हो जाए जरा, क्या बात। एक मिनट नरेश कपूर, नरेश कपूर आप शायद हमारे बारे में जानते नहीं हैं। और तू वही है ना जो पीछे चप्पल पे चावल खा रहा था? ऐसा थोड़ा ना होता यार, ऐसा कोई खाता है कोई चप्पल पे चावल? ये सिर्फ चप्पल खा रहा था। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, एक बादशाह ही दूसरे बादशाह के साथ मजाक कर सकता है, इस मंत्री को क्या पता। और हमारे साथ गुस्ताखी मत कीजिए, हम कल ही दुश्मनों से लोहा लेकर आए हैं। इतना अच्छा शो दिया, कबाड़ का काम नहीं छोड़ता ये। चल जाके अपनी चाय बेच, चल। अजी खुद फिल्म भी कर रहा है, शो भी चला रहा है, हमें चाय बैठकाया हुआ है इसने। खैर बादशाह खान, लगता है इनको हमारे बहादुरी के किस्से बताने पड़ेंगे। ओहो राजकुमारी आलिया, तुमने दोपहर का खाना खा लिया? भरी सभा में सच पेश किया जाए। अच्छा देखो, कुदरत की मेहरबानी देखो। हाँ। एक तरफ आलिया भट्ट, दूसरी तरफ हट। तेरा कॉन्फिडेंस तुझे कैसे आता है? तलवार मेरे पास है, कॉन्फिडेंस क्यों ना आए? हाँ। आलिया क्या है इसका सच बताओ, क्या है ये? ना एक्चुअली बाहर मेरी हेयर ड्रेसर को छेड़ रहा था। क्या कह रहा था कि यू कीप इन टच, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। वो आपके इतने सारे बाल बना सकती, मैं उसकी छोटी सी लाइफ नहीं बना सकता। और वैसे भी वो सिद्धू पाजी के बारे में पूछ रही थी। और चलो। अच्छा जी? वो पूछ रही थी जी? यार आप बोल रहे थे कि सिद्धू पाजी के जितने भी शेर वो बोलते हैं शो में, वो भी मैंने सिखाया है। तेरे रख के देना। और कि सिद्धू जी जीरो पे आउट हो गए, ये सब बोल रहे थे। सिद्धू साहब, सिद्धू साहब गुस्सा छोड़ो, सिद्धू पाजी को बैठ दो, कहीं गुस्सा ठंडा ना हो जाए।
मारो मारो इसको। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। ये हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, वरना हम तो शाही लोग हैं, शाही खानदान से बिलोंग करते हैं। और तेरा दूध उबल गया, उधर जा। तारा दूध उबल गया, तेरे बर्नर में जा रहा है। तेरे को समझ, शाही खानदान भाई कोई नहीं, स्याही खानदान है इनका। ये जो आजकल एटीएम में लाइनें लगती तो वहां पे जो डिपॉजिट आते हैं उनके स्याही लगाता है ये। 2 रुपया पर पर्सन लेता है ये। हम तो चलो पाजी उंगलियों पे स्याही लगाते हैं, ये घुटनों पे तेल लगाकर बाद में बोलते हैं मालिश मालिश। करो भाई, आपको पता है ये मसाज कराने जाते ना, वो बोलते हैं कि घुटने के 10 रुपए, फेस के 100 रुपए। तो 10 रुपए दे के मुंह आगे कर देता, कहता है ये भी तो घुटने जैसा ही। अच्छा ये शाहरुख भाई, ये बचपन में भी लवेबल नहीं था? कई बार होता ना कि घोड़े के बच्चे भी प्यारे लगते हैं, छोटे 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 सुअर भी प्यारे लगते हैं, क्यूट। ये पहला ऐसा इंसान था, बच्चा है, लवेबल नहीं था बचपन में भी। पता है डॉक्टर छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं टेटनस का, ऐसे लिटा के, पहले ऐसे ले ले, तो फिर इसका मुंह देख के डॉक्टर को इतना गुस्सा आया, उसने इंजेक्शन ऐसे खड़ा कर लिया, इसको पकड़ा, कहता ये ले। अच्छा बाकियों के ना वो रुई लगाते हैं बाद में ना, रुई लगाते ठीक हो जाए, इसके उसने 4-5 थप्पड़ मारे। पाजी रुई लगाते हैं नाजुक बच्चों को, मैं शुरू से स्टील बॉडी था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये तो जैसे बहुत ज्यादा लवेबल थे ना, मैं बताता हूँ इनकी डिलीवरी की बात। आफ्टर डिलीवरी ये डॉक्टर को पूछ रहे थे, कहते डॉक्टर आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि मुझे टीका लगाने का आपको मौका मिलेगा? अच्छा पैदा होता बच्चा को बोलता तेरा पंच फ्लॉप, लॉजिक वाइज जाएंगे। अच्छा सुन मेरी बात, शाहरुख भाई आए, आलिया आइए, फटाफट बाहर जाके उनकी गाड़ी पार्किंग में लगा के कपड़ा मार चल। यार गफिल यार, डोंट बी सो रूड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा नहा धो के करना, बड़ी गाड़ी है, महंगी वाली। इसने भी गाड़ी ली शाहरुख भाई। और मजे की बात यह है कि उसमें पेट्रोल नहीं डलता। हाँ ऐसे बैठो, 2 लकड़ी के वो आते हैं ऐसे। चंदू आप उदास मत हो, अभी देखो हम लोग बहुत इसकी टांग खींच रहे हैं, आप बहुत क्यूट हो एक्चुअली। ऐसे मत बोलो, मेरा रोना निकल रहा है। ये क्यूट लग रहा है। फोन है, व्हाट्सएप को फोन करके पूछता हूँ, दवाई खाई आज तुमने? नहीं खाई। अब तो अच्छा सा हार्ट अटैक देख के मर जा। नहीं बट एक्चुअली मुझे बहुत क्यूट लगता है एक्चुअली, राइट प्रोफाइल से ना साइड एक बिल्कुल शाहरुख के जैसे लगता है। अच्छा। नहीं सिमिलरिटी तो है, जैसे शाहरुख भाई को डिंपल पड़ते हैं, इसको दौरे पड़ते हैं। अच्छा अच्छा सुनो सुनो, कुछ और बात करते हैं जी। मैंने सुना है कि आप ना शाहरुख की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हो। नहीं वो तो बस जी ऐसे नहीं, एक्चुअली सुना है मैंने कि बहुत अच्छे डायलॉग डिलीवरी देते हो, पूरा मतलब बॉडी लैंग्वेज के साथ। किस किस साइड से करते हो? वाली साइड से जिस साइड से मेरे तरफ दिखते हो। मैं बस थोड़ा बहुत, कम ऑन चंदू प्लीज, मैंने प्लीज प्लीज चलो आप इतना फोर्स करती हैं तो फिर थोड़ा सा कर ही देते। हाँ। मेरे को वो वाला माइक पकड़ाना। इस माइक से टाइम निकाल रहा और कुछ नहीं बहाने बहाने। हेलो। टेंशन में आ गया? तेरे नमकीन नागों की मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी जुल्फ की लहराती हुई अंगड़ाइयाँ, कभी नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसको चिल्लर थोड़ी दूर भगाओ यहाँ से। मतलब ना इसके बाद मैं हाथ नहीं खड़े कर सकूंगा तेरी वजह से। अब लग रहा मांग रहा हूँ, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। अरे कैसे कैसी फरमाइशें करती हो, अपनी फिल्म पे फोकस करो, ये तो पागल है। I think चंदू कोई जेलिस हो रहा है यहाँ। मेरे को भी कुछ जलने की बदबू आ रही है। आलिया मे आई डांस विद यू? क्या आप बैठ जाओ, मैं आलिया को बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स चंदू। ये आइडिया तेरे मन में कहाँ से आया आलिया? आप अपनी गर्दन काट लें। लेकिन एक सेकेंड, आपने टच कैसे किया? ऐसे करके। पर क्यों, डांस करते तो ऐसे डांस करते है ना, ऐसे टच कैसे कर सकते? ये वो वाला बीट से आई नहीं। आई एम सॉरी यू नो चंदू, मैंने आपको क्यूट कहा एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक इट्स फेयर दैट यू कैन जस्ट टच, आई डोंट फील लाइक इट्स करेक्ट ऑन योर बिहाफ। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बदतमीजी नहीं कर रहा था, ऐसे जस्ट होल्ड। नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा, चल ऐसे करना आगे।
सॉरी बट आई केप्ट माय हैंड हियर लाइक दैट. मैंने ऐसे रखा था क्योंकि टच नहीं करना आलिया को. बिना टच करे डांस कर सकते हो या अदरवाइज? ठीक, बाहर सूरों के साथ खेल रहा था, इधर आगे आलिया को टच कर रहा है. मारूंगा तेरे गर्दन पे. चल सीधा सीधा डांस करना है. सीधा सीधा करना है. हाँ मेरी तलवार पकड़ा दो फिर. चलो वन सेकेंड म्यूजिक प्ले. ओह माय गॉड मैन, पाजी काश ये असली होती, मैं अपने पेट में मर जाता. ओह आज का बेस्ट एपिसोड है आप मेरी लाइफ में. आप देखिए और आलिया का खराब दिन है उसकी लाइफ में. पाजी एक चाय वाले ने देखो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए और दूसरे चाय वाले ने किसी का मुंह बंद कर दिया है. तो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू आलिया. थैंक यू शरद सर. ओके बाय बाय. भाई डियर जिंदगी में आप आलिया को काफी सारे ज्ञान दे रहे हैं. भाई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना इसमें मैं नो कॉमेडी ऐसे ही कि जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, कि जो होता है ना कि हम सीखते हैं चीजों से, सो आप अगर कुछ शेयर करना चाहें अपने फैंस के साथ. यार मैंने बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली, क्योंकि मैं काम ही करता गया हूँ 25 सालों से और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया. आपके साथ, सिद्धू पाजी के साथ मौका मिला, आलिया के साथ, सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ. बट एक दो चीज़ें मैंने सीखी, उसमें से पहली है कि ऐसे कहावत होती है पंजाबी में, होती है शायद मेरे डैडी बुआ कहा करते थे कि पराए फट्टे में पाँव मत डालो. अच्छा, कि दूसरे का जो चक्कर चल रहा है ना उसमें मत घुसो कभी लाइफ में. तो अगर आप लड़ रहे हो, मर रहे हो, झगड़ रहे हो, प्यार कर रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, यार आपका आपका काम है, मैं उसमें नहीं घुसूंगा. अपनी ही बेइज्जती होती है उसके अंदर, तो दूसरों के कामों के बीच मत घुसो. ये बड़ी सही सही बात, सचमुच मैं बता रहा हूँ. कभी इंटरफेयर मत करो अपनी जिंदगी जो, और डू ऑन टू अदर्स एज यू वॉन्ट देम टू डू ऑन टू यू. जैसा आप उनके साथ व्यवहार करोगे दुनिया आपके साथ वैसा व्यवहार करेगी. चल भाई, बियर्ड लुक आप पे बहुत सूट करती है. ये जो आजकल मार्केट में नए नए लड़के आए हैं उनको देख के तो नहीं रखी आपने? जो नए नए मार्केट में लड़के ना पैदा नहीं होते जब मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई थी. ओह आई अपोलोजाइज. अच्छा मैं शाहरुख भाई को मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, रात को 3-4 बजे ना भाई कभी आपका बड़ा शायराना सा मूड होता है. यहाँ पे हम पहले वो पिक्चर दिखाएं जरा. शाहरुख भाई ये चांद के साथ आपने अपनी फोटो तस्वीर ली है, ये रात को 4 बजे आप में शायर कहाँ से जाग जाता है? चांद तारों की बातें होती हैं. वो एक सेम जगह से जागता है जहाँ रात में 4 बजे तेरे अंदर देशभक्त जागता है. तो करता ना जब मैं वेट करता हूँ, जैसे ही वो तेरा ट्वीट का मालूम पड़ता है तो मेरे अंदर का शायर जाग जाता है. आप तो भाई मुझे फॉलो भी नहीं करते, आप कहाँ पढ़ते हो मेरी ट्वीट? करने की जरूरत नहीं ना, तेरा तो न्यूज़पेपर में सुबह आ जाता है. ओके वंस अगेन आई अपोलोजाइज फॉर माय क्वेश्चन. 16 करोड़ इनकम टैक्स दिया इसमें. अच्छा आप सब जानते हैं शाहरुख भाई रोमांस के गुरु कहे जाते हैं आजकल, एक्शन स्टंट्स के भी मास्टर हैं, बहुत सारी फिल्मों में खुद स्टंट्स करते हैं. शाहरुख भाई आपको कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है? यार मुझे बहुत अजीब अजीब चीजों से डर लगता है, कोई मानेगा भी नहीं. मुझको पहला जो बहुत डर लगा जेन्युइनली, मैं रो पड़ूं. अच्छा, और मेरे साथ हुआ भी, एक सीन है मेरा पिक्चर के अंदर जो अगर कभी आप देखेंगे तो याद आएगा. मेरे साथ जो एक्ट्रेस थी, मैं उनका मतलब हाथ नोच डालता था उस सीन के अंदर. मेरे को बहुत डर लगता है. मुझे वो जो स्विंग होता है ना झूला, जिसपे सावन का झूला जो होता है वो, उस पर नहीं बैठा जाता मुझे. मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे डर लगता है ना. इस लड़कियां निकल ला 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 सावन के झूले, वो टांग ऊपर करके जो बैठती है ना, तो वो देवदास में है मेरा सीन. वो चले जा रहा था और वो संजय लीला बंसाली तो बार बार शूट कर रहा था, दूर से झूला आ रहा था पानी के ऊपर और बेचारी ऐश्वर्या राय का मैंने हाथ नोट करना यूं पकड़ा हुआ था और मैं इश, मुझे बहुत डर लगता है बहुत सारा. अरे आपको भी किसी चीज से डर लगता है? मैंने तो हमेशा आपको बिंदास बोलते हुए देखा है. हाँ मुझे अंधेरे से डर लगता है बहुत ज्यादा. जब मैं अकेली होती हूँ, अगर किसी के साथ हूँ देन आई एम फाइन. एज इन मतलब ओके मतलब मम्मी या बहन के साथ हूँ. थैंक यू फॉर टेलिंग अस. मुझे लग रहा था सारा अब इसके साथ दिन रात लाइट में ही गुजारना पड़ेगा. चलो अच्छा राइट. अच्छा वैसे तो शाहरुख भाई की इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग है, हॉलीवुड में, यूरोप में, जर्मन औरतें, फ्रेंच औरतें पागल हैं. भाई कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं हॉलीवुड की फिल्म जाके करूं कभी? एक्चुअली शुरू में आता था. अच्छा, 10-15 साल पहले आता था, अब नहीं आता.
अभी क्या हो गया है कि हमारी सारी हीरोइंस वहाँ जा चुकी हैं जी, और जो वहाँ की हीरोइंस हैं सलमान या अला के उनके साथ काम कर रहा है। हाँ तो अभी बेकार में 18 घंटे फ्लाइट लेके उन्हीं लड़कियों के साथ काम करूँ जिनके साथ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एग्जैक्ट पॉइंट है। हाँ और फिर तो थोड़ी दिलचस्पी कम हो गई है। फिर वहाँ हॉलीवुड में ना वो एयरपोर्ट पे ऑडिशन करने लगता है मेरी थोड़ी। पर लेकिन भाई अभी आपका ऑडिशन, आजकल गवर्नमेंट बदल गई है, आपके लिए हमारे पास मैसेज भी है। अच्छा करवाया तुमने? जी जी बिल्कुल। हाँ सभी करवा रहे हैं मेरे लिए। हाय, दिस इज पावरफुल लीडर ऑफ द पावरफुल कंट्री एंड शाहरुख, आई एम योर बिगेस्ट फैन। आई सीन ऑल योर मूवीज, बट आई हैव हर्ड कि जब जब भी तुम मेरी कंट्री में आया, यू गॉट सो मेनी प्रॉब्लम्स। I object. There's no problems like that. There's no such problem. Not at all. You just shut up. I am the present leader. No. So, you come to my country, there's no need for visa. You just buy your ticket and come to my country. That's not true. That's true. You shut up. So, come to my country. That's not true. बकवास करना। तो हमारी कंट्री में आए, सारे डोर्स विंडोज, आगे वाला डोर, पीछे वाला डोर, सब कुछ खुला है। That's not true. That's true. That's true. बकवास करना। ओके शाहरुख, bye bye. I am your biggest fan. Thank you. अब बेधड़क जाऊंगा मैं इसके बाद, ये वीडियो ले जाऊंगा साथ में। शुरू 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 में अच्छी इंग्लिश आई, उसके बाद में अमृतसर वाला फ्लेवर आने लगा। यार भाई आप डियर जिंदगी में आलिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, हमारी यहाँ पे जो ऑडियंस है इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आपसे कुछ राय लेना चाहती है, नुस्खे लेना चाहती है, सो हमने ऑलरेडी लिखवा के उनसे ले ली हैं प्रॉब्लम्स ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। सो प्लीज, ये क्या भाई, ये प्रॉब्लम्स हैं आम लोगों की यहाँ पे, इतनी सारी इतनी सारी प्रॉब्लम। तो ये कुछ, ये तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएंगी। पहले मैं वन बाय वन आपको देता हूँ, पहले ये पढ़ लीजिए, आप आपसे शुरुआत, लेडीज फर्स्ट। अच्छा आप ओके। डियर जिंदगी, मेरी बेटी आपको टीवी पर देखकर पापा पापा कहती है, ये आपके लिए होगा, इनके लिए होगा, इसी के लिए भी हो सकता है। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन मानती नहीं, उसको कैसे मनाऊं कि आप उसके पापा नहीं है। मोनिका खान From हिमाचल, मोनिका खान, नमस्ते। मोनू ये तो सच है। सॉरी। एक्चुअली मैं आपकी बहुत फैन रही हूँ शुरू से। तो शादी के बाद जब मेरी बेटी हुई, तो मेरी बेटी जब 1.5 साल की थी, जब भी आपको टेलीविजन पर देखती थी तो कहती थी पापा पापा, मतलब आज तक मैं उसको ये नहीं समझा पाती कि आप उसके पापा नहीं हैं, और उसके पापा को इस, मतलब वो बहुत अकड़ते हैं कि हाँ मैं शाहरुख की तरह हूँ, शायद इसीलिए मेरी बेटी मुझे ऐसे कहती है। और मेरी बेटी के भी डिम्पल आते हैं, जबकि मेरे हस्बैंड का भी नहीं है और मेरा भी नहीं है। एक बात बता दो, आप आपके हस्बैंड को तो पापा कहती है ना? वो हस्बैंड को भी कहती है, लेकिन शाहरुख जी को देख के वो पापा ही बोलती, मतलब उसको अभी तक क्लियर नहीं होता कि ये उसके पापा नहीं है। पर बड़ी बात ये, आपके हस्बैंड को क्लियर है ना? तो मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं? इसका एक इलाज है मेरे पास। वैसे मुझे बहुत खुशी होती जब आपको पापा बोलती है। हम ये सॉल्व कर सकते हैं, और मुझे अलाउड भी है, मैं शादी कर लेता हूँ आपसे, लीगल हो जाएगा। बेटी बेटी भी सच बोलेगी, आप भी खुश, और हस्बैंड ने तो एक्सेप्ट कर लिया। हाँ तो ये भी खुश है। एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल यही चल रही है, जैसे मेरी उम्र बढ़ रही कि जो यंग लड़कियाँ मुझे पापा ही कहने लगी, तो थोड़ा मेरा इमेज खराब हो रहा है इसकी वजह से। बट बेटा खुदा कसम मैं आपका पापा नहीं, मतलब भगवान गवाह है इस बात का। और मैं मतलब लेकिन आप मुझे पापा बुलाती हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, और आप प्यार से मुझे जो मर्जी बुलाएं मुझे अच्छा लगता है, और मम्मी आप भी खुश रहें। अब मैं ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। आप मुझे इतना प्यार किया आपने, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू मोनिका, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू मोनिका।
दूसरी चिट्ठी। डियर जिंदगी, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छी है लेकिन बहुत खर्चीली है। जब से नोट बंद हुए हैं मेरे क्रेडिट कार्ड की वाट लगा दी है। यही नहीं, उसके माँ बाप भी मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। कौन है भाई ये दुखिया? मैं लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, छोड़ भी नहीं सकता हूँ और रह भी नहीं सकता। काफी तंग हो गया हूँ, क्या करूँ? सागर झांसी यूपी से। कैसे रहते, खुश क्यों लग रहे तुम तो यार? परेशान तो लग ही नहीं रहे? सर एक बात बताइए, मैं उस लड़की को छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ लेकिन जब से 500,000 के बंद हुए हैं तो वो क्रेडिट लेके चली जाती है। खुद तो खर्चा करती है साथ में अपने घर का भी उठाती है। अब मैं उससे प्यार करूँ या अपने नोट बचाऊँ? आप सॉल्यूशन दीजिए इस बात का। आप लोग घर पे रह के टीवी देखो, कपिल शो देखो हर रोज। हाँ। उसको बताओ सस्ता है टिकाऊ है। अच्छा चीप चीप एंड बेस्ट। सर नहीं मानती, बिना शॉपिंग की तो वो चलती नहीं है ना। नहीं मैं आपको सच सच बताऊँ, आप सच बोल दो कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि देखो मेरे को सेविंग्स करना है, मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो बस सेव कर लेते थोड़ा सा। हाँ, मतलब हफ्ते में 3 बार खर्च करेंगे बस। जी जी बिल्कुल मैम। तो प्लान बना लो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। 3 दिन तो वो पिक्चर ही देखती है और बाकी के दिन शॉपिंग की कहती है। काट दो अपना कार्ड। उनका नाम क्या है? सर दीपाली। दीपाली तुम खर्चे वाली? नहीं पूरा ठीक। दीपाली ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं और थोड़ी बहुत तुम लोगों में भी जो अनबन हो रही है ये पैसे को लेके, क्रेडिट कार्ड को लेके, थोड़ा तुम ख्याल रखो, थोड़ा ये ख्याल रखेंगे और घर में ज़्यादा वक्त गुजारो। जो कपड़े एक बार पहने हैं उसको धो के फिर से पहन लो। हर बार नए कपड़े मत खरीदो। अब मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, देख लो क्या करते हैं। वैसे काम क्या करते हैं आप? जी काम पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो उसके बावजूद आपके पास क्रेडिट कार्ड है? जी। मतलब अच्छे घर से ही हो? जी। तो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? स्टूडेंट लाइफ में क्रेडिट कार्ड रख रहा है। एक आपके लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। कपिल जी आप प्लीज आलिया जी को दें। सो स्वीट। ये किनके लिए है? आलिया जी के लिए। अपने आप अपने हाथों से दीजिए। नहीं नहीं सर आप प्लीज। अरे सो स्वीट, आप लेके आए, आप अपने सर खोल के दूं? यस सर। ये लीजिए, फिर ये भी पढ़ लीजिएगा। ओ वाओ, वो सो स्वीट, बहुत 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 खूबसूरत है आलिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ये मेरी तरफ से आपके लिए। बहुत बहुत सर धन्यवाद, शुक्रिया। झांसी में सबको प्यार देना हमारा। थैंक यू सर, बिल्कुल। ये और कुछ प्रॉब्लम्स हैं शाहरुख भाई? आपकी बारी। ये अच्छा पर्चियां पढ़ते रहे, लोगों से बातें करते रहे, शो बन गया। डियर जिंदगी, मेरे हस्बैंड जब घर आते हैं तो फोन लेकर बाथरूम में घंटों बैठ जाते हैं, साथ बैठते हैं तब भी मुझसे बात नहीं करते, फोन पे लगे रहते हैं, मैं क्या करूं? सुमन फ्रॉम बिहार। सुमन जी कहाँ है? नमस्कार सुमन जी। नमस्कार सुमन जी। सर ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है हमारे लाइफ में। मतलब ऐसे तो ये सारा दिन ऑफिस में होते हैं लेकिन जब घर आते हैं। ये कौन साथ में ही है? मेरे हस्बैंड। अच्छा क्या हाल है सर? आप बड़ी अच्छी है, आपकी फुल स्लीव मूछें रखी हैं आपने, अच्छी लग रही। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो मैडम आपसे बहुत परेशान है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारा दिन तो ऑफिस में होते हैं जी, जब घर आते हैं तो मोबाइल लेके सीधा बाथरूम में घुस जाते हैं और अच्छा। 2-3 घंटे तो ऐसे ही लग जाते, पता नहीं। आप खाना ठीक बनाओ ना, पेट खराब रहता होगा इनका। और मैं बचा रहा हूँ आपको, बहुत कोशिश कर रहा हूँ बचाने की आपको। अब बताओ बाथरूम में 2 घंटा बात किससे करते हो तुम? ये सारी बातें बता नहीं सकते सर। नहीं कमोड में टावर लगा रखा है आपने। अब वैसे करते क्या हैं बाथरूम के अलावा? और सर बैंक में हूं मैं। बैंक? सारी दुनिया लाइनों में लगी, आप यहां बैठे हुए? सबको देकर के आया हूं सर। तो सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में? सरकारी बैंक में सर। एक्चुअली मैं पूरे देशवासियों की तरफ से, जितने भी हमारे भारत में बैंक एम्प्लॉयज हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। आप सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जब से ये नोटों का सिलसिला बंद हुआ है 500,000 के नोट, आप सब ने ओवर टाइम करके जो है yes, इस प्रॉब्लम को जो है आप बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो बड़ी अच्छी बात है और आप समय निकाल के आए हमारे शो में, हमें बहुत अच्छा लगा। बट आपके ना मैं थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, ये सच बात है।
कि घर में जाने के बाद, मैं ये सच बोल रहा हूँ, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली घर में जाने के बाद फोन इस्तेमाल नहीं करता हूँ काम के बाद, जब मैं काम करके जाता हूँ मैं भी नहीं करूँगा। बिल्कुल मत करो आप, मैं सच बताऊँ क्यों, बहुत जरूरी होता है। कितने बच्चे हैं आपके? दो। हाँ, दो बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे बहुत जल्दी, पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह। तो आप जो है उनके साथ वक्त गुजारें, सुमन जी के साथ वक्त गुजारें। थैंक यू सर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमन। थैंक यू शाहरुख भाई। हमारा चंदू, आपने देखा अभी बातें करके क्या पागल, हमें थोड़ा उसका इलाज कराना, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर आप, क्योंकि एटीएम से पैसे निकल नहीं रहे, तो हमारे यहाँ पे लाइव दर्शक हैं, आपके कहने पे तो कुछ भी खरीद लेंगे, हमारी ये केतली हमारी चाहे आप 20,000 में बेच दो, लेकिन मैं कुछ प्रोडक्ट मंगाऊँ सर, आप प्लीज आलिया आप हाँ? मदद करेंगे, चंदू की मदद करेंगे हम जरूर जी, प्लीज प्रोडक्ट्स लेकर आए। चल भाई, ये आपका मॉल है। Alert your showroom. Salesman, Mr. Shah Rukh Khan. जी, मेरे पास ये साबुन है, ये पैकेट के अंदर है, लेकिन यूज्ड है, और इसको मैंने तब यूज किया था जब तीन लड़कियों ने मुझे टब के अंदर नहलाया था। तो इसकी खुशबू भी अच्छी है, तीन खूबसूरत औरतों ने इसको छुआ हुआ भी है, और उसमें मेरे पसीने की खुशबू भी है, तो अगर आप मुझसे कोई खरीदना चाहेगा तो प्राइस इनसे पूछिए भाई, कितना भी बोलो, आप बोलो कितना कितना। एक्चुअली अभी जैसे आपको पता है चेंज तो मिल नहीं रहा है ज्यादा, तो आई हैव ओनली 10 रुपी नोट विद मी, तो प्लीज 10 रुपए में तुम साबुन लोगी मुझसे मेरे पसीने वाला? प्लीज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। भाई कंप्लीट मैं यहां पे देखता हूं यार, पता चेंज ही नहीं मिल रहा। आप बताइए पैसे, बताइए पैसे। हाय हाय तो होता है, होता रहेगा। 20 रुपीस या 100 रुपीस का कॉल मुझे मिल चुका है, ये तो ऐसा सर मुझे लेना है, मुझे लग रहा है बिक्री बहुत हो रही है, दो पीसेस करके नहीं नहीं यार नहीं, लड़कों पे मेरा पसीना जचता नहीं सर, 200 जो पहले ज्यादा देगा मुझको सब साबुन को प्रसाद समझ के ना करबे, खड़े-खड़े पैसे कमा लेते आप तो, कमा था मतलब। आलिया, now it's your turn. मेरे जीन्स है ये, मैंने 2 साल के लिए पहना है, नॉट एवरी डे, और जो भी खरीदा मैं उसको हक करूंगी। अच्छा, इसका प्राइस है, क्योंकि ये सेकंड हैंड है, तो 100 रुपीज है मेरे पास, 100 रुपीज, और मुझे चाहिए प्लीज। चाहिए ना? तो दे 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 दो। लड़कों अभी भी मौका है, लड़की 100 रुपए में खरीद रही है, कमबख्ता पैसा निकालो जेब में से। छोटी मतलब आलिया ने 100 रुपया कमा लिया, वाह राइमिंग कितनी अच्छी, आलिया तुमने 100 कमा लिया। तो ये टावल है, ये ऐसा टावल नहीं है, इसमें 2-4 क्वालिटीज हैं, बताऊं, यही वो टावल था जो कुछ साल पहले रणबीर ने ऐसे पहन के गिराया था। और यही वो टावल है जो सलमान ऐसे लगा के डांस करता है। और यही वो टावल है जो काजल ने दिलवाले दुल्हनिया में मेरे ख्वाबों में जो आए। और एज यूजुअल मैं सारे प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज करता हूँ पहले कि लोगों को मालूम पड़े कि अच्छी क्वालिटी है, तो इससे भी मैंने अपना पसीना पहुंचा रहा जी। बोली कितने से शुरू करेंगे? कितने? 500 रुपए? हाँ, 5,000 रुपीज, क्या बात। ये आंटी, आंटी भी आपने, आपने भी मुझे ले रहा है, आपने भी, आप भाई, हाँ। वो उन्होंने भी हाथ खड़ा किया। अरे सॉरी, आप बोले, आप कितने पैसे ऑफर कर रही? लेकिन अभी पैसे तो ज्यादा है नहीं, 1-0 कम कर देंगे तो मैं ले लेगी। नहीं मैंने तो, आप बोले कितना पैसा देना चाहती हैं? मैं 50 रुपया। पचास में बिकी नहीं है मेरे पास आपके लिए, अगर आप बोले। <बड़ी बड़ी। laughs>
दे दीजिए आप 50 रुपए दे दीजिए। थैंक यू सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं भी मुझसे भी चीप ज्यादा चीप आदमी नहीं हो सकता। मैं अपने फैन से पैसे उठा। मैं हर हफ्ते आया करूंगा यहाँ पे ना साइड शो में, ऐसे करके पैसे कमा के जाया करूंगा। ये है लैंडलाइन जो आलिया के पैदा होने से पहले बंद हो गया था। इसको आप उठाए, 0 दबाए और सीधा शाहरुख सर के घर पे लगेगा। और मिलता है 1 hour टॉक टाइम फ्री। और बात करना ही पड़ेगा, मतलब ये रूल है। कौन खरीदेगा? हाँ 1100, ये बहुत प्रिसाइज नंबर दिया है तुमने। आओ अब नहीं बचेगा ये। वाह, गिव 11। पैसे दिखाओ, पैसे दिखाओ पहले। आई डोंट हैव चेंज, इट्स ओके। 2000 चलेगा? हाँ हाँ चलेगा, चलेगा चलेगा। और घड़ी चेन वगैरह आएगी वो भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। ले ले साथ में 900 रुपए के लिए शानदार की डीवीडी ले। ओके तेरा पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। मेरे पास आधा खाया हुआ भुट्टा है किसी को। ये एक्चुअली इसलिए कि आपका वेट ना बढ़े, तो इसलिए आधा कम करके रखा है कि कार्ब्स वाब्स कम हो जाए इसके अंदर। तो अगर आप में से कोई लेना चाहे, बच्चे कितने में लेगा बता? बहुत दे दिया। 150 कोई और ज्यादा? कितना? 500 मैं आपको बनता। मैं तुझे बताता हूँ मैं लड़कों को बेच क्यों नहीं रहा हूँ। मैं इसका समझाऊंगा। 5000 कौन बोला? 5000 5000 कहाँ पे? लाओ मेरा कोट पैंट ले जाओ। 5000 बट अच्छा दोनों आ जाओ, आप भी आ जाओ। 10000 नहीं बहुत सारे हैं इसमें। थोड़े करके बहुत कमा लूंगा। आप कितना? 500 आपको भी दूंगा, मैं दोनों को दूंगा आपको। और मैं इसका रीजन मैं क्यों लड़कों को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि साथ में खाऊंगा आपके। इधर आओ, साथ में खाऊंगा। पैसे दो। एक नोट फटा हुआ है। हो गया, आप लो पैसे का। हस्बैंड ने बैंक खुलवाओ। और बैठो बाथरूम में ज्यादा ज्यादा देर। पी पुट्टा खा गई है। कहाँ पैसे का मेरे? अरे गले लगे जा रही हो तुम। ले गाओ। कौन सा अकाउंट में? वापिस करो मेरा पुट्टा, निकालो। बहुत चालू है तुम्हारा हस्बैंड बता दूं मैं। तो मुझे बाद में फोन करना, बताऊंगा बाथरूम से किसको बात कर रहे हैं। थैंक यू। जोरदार तालियां शाहरुख भाई और आलिया के लिए। और ये हटा लीजिए प्लीज। चलिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चूहा निकला तो यही से था, पता नहीं कौन से बिल में है। डॉक्टर साहब, आपका अपना मुंह भी ये जो बिल जैसा है, इसमें चूहे मारने वाला पाउडर क्यों नहीं डालते? अच्छा मैं पाउडर डाल दूं चूहों को ताकि वो कैरम बोर्ड खेल सके, है ना? मैंने यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं खोला हुआ है। इधर आए गेस्ट आए, देखिए आप ना हेलो ना हाय। मैं क्यों करूँ हेलो हाय भाई? दुश्मन बादशाह भेष बदल के घूम रहे हैं, तुमको पता नहीं है? तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं? YDMMH मतलब? YDMMH मतलब? ये धरती मेरे माँ है। और मेरे बाप की तरफ कोई आप उठा के दे कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। चूड़ियां? डॉक्टर साहब आपने साड़ियां सिंदूर पेटीकोट ब्लाउज कुछ नहीं छोड़ा आपने। आप क्या? डोंट गेट पर्सनल ओके। वो घर बार चलाने के लिए हमको पहनना पड़ता है। तो मैं जाइए तुमको बात। एंड या ओ महारानी भी साथ में आई हुई है राजा के भेष बदल के।
आपसे लड़ने के लिए तो मेरी लेडी बटालियन ही काफी है। अच्छा हाँ तो बुला लीजिए, कौन कौन है आपकी लेडीज, क्या फोर्स है, आपका नाम है उनका कुछ? यस, नाम है उनका, प्लीज कॉल देम। बटालियन उतप्पा, नहीं उतप्पा नहीं, दुपट्टा नहीं, पट्टा नहीं, रट्टा नहीं। वो बाहुबली को किसने मारा था? ले बटालियन कटप्पा। याद रखो, सिर्फ 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। उसके बाद 11 मिनट, थोड़ी देर बाद 20 मिनट हो जाने, फिर 25-30 मिनट हो जाने, टाइम का तो चलता रहना, लेकिन मुकाबला कड़क होना चाहिए। जय हो, वीरू हो, यस। तो चलिए। नानी ये तो पागल है, तू बुजुर्ग होके के बच्चों जैसे हरकतें कर रही है, शर्म नहीं आती तेरे को? इसमें शर्म की क्या बात है, अगर शर्म करती ना तो इतना बड़ा शो होस्ट नहीं करता तू यहाँ बैठकर। बात करता है समझा? और वैसे भी बादशाह, हर इंसान अपने शौक से ये सब नहीं करता, पैसा इंसान को बदल देता है। लेकिन इस बार एक इंसान ने पैसा बदल दिया। नानी तू पता ऐसे तंग करती थी नाना को, इसी चक्कर में 6-6 महीने घर नहीं आता था मेरा नाना। कंडक्टर था ना। और बादशाह कंडक्टरी का ऐसा नशा उसके सर पे चढ़ा था कि सुहागरात पर मुझसे कहता है कि सक्के बेटे एक आदमी और आ जाएगा, चल चल। वो तो नाना को शायद पता चल गया होगा कि इनके अंदर भी एक आदमी है। अगर तुमने ज्यादा बकवास की ना, I'll give a tight slap and make your face white. Okay, let's go then. Let's start a fight. Okay, let's fight. Okay. बात इतनी आगे बढ़ गई है तो हम कर लेते हैं एक face off. हाँ हाँ कर लेते हैं, देखिए जंग के लिए तो मैं इतनी तैयार हूँ, मैं अपने हथियार भी ऐसे लाई हूँ जिनमें जंग लगी है। Okay, so Alia, we'll do face off. Please come on. What are we facing off? I'll sing, you sing. Okay. But first of all. Who will come first? Ladies first! Of course. Darling. Okay. Originals first. Yes. So face off between Vidyavati and Alia Bhatt. तो खा ले इसको, तो ते थोड़ा वजन बढ़ा दे, ए चिड़िया के लाइन में खड़ा होके छुट्टा भी तो ले। मैं अपना वर्जन गाऊं? प्लीज प्लीज। ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ओहो! जिंदगी गले लगा ले,
देखो वॉर तो मैंने कर ली, मैं हार गई, लेकिन लव तो बाकी है ना अभी. लेट मी स्टार्ट द लव. बजा दो यार. सिमरन. राज. सिमरन. मेरी कतरा. हाँ. मेरी कतरा बजे दे चलो. आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी कतरा. मेरी कतरा बाजू में पैकेट समझेगी नहीं. मेरी कतरा बजे दे चलो. मेरी कतरा. राज. मेरी कतरा. तुमने जो कहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारा कहना थोड़ा पतला आ रहा है. हाँ. तो नीचे से बोलो. बाजू में बात डाल के राज. बाजू में बात डाल के राज. चलो. मैं तुम्हें ले जाऊंगा. मैं तुम्हें पक्का ले जाऊंगा. लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा तुम बात नहीं करोगे बिल्कुल. चुपचाप से बैठी रहोगी मेरे साथ. ओके. हिलना डुलना नहीं बिल्कुल नहीं. हाँ. मुंह खोलना नहीं तुम. हाँ. आइटम डांस भी कर लेती हूँ राज. दिखाओ ना कोई आइटम तो दिखाओ. बोलना नहीं मगर. ये भाई हमारे चंदन है ना अपने पहले आया था. चंदन हमारे कॉलेज से. ये और मैं एपीजे कॉलेज हम लोग जलंधर में साथ में पढ़ते थे. वेरी नाइस. व्हेन यू सिंग वेरी वेल. इसके दादाजी नहीं करने देते थे इसको ये सब. हाँ बट ऑल दिस इज लिटिल टू मच. यू अ परफॉर्मर यू शुड नॉट डू ऑल दिस डांसिंग. ये लोग ठीक है कॉमेडियंस हैं देम डूइंग इट. मुझे वो थोड़ा ऑड लगा जो तुम ऐसा नहीं जो डांस वांस कर रहे हो. लुक्स ऑड ना लाइक फॉर अ सिंगर टू बी डूइंग ऑल दिस ऐसा जंपिंग अराउंड यू नो. पर ये बहुत आई मीन कॉमेडी वाला ये सब इज अ गाय डूइंग इट. बट यू आर अ गर्ल सो व्हेन यू डू इट यू शुड कीप सम डिग्निटी बिकॉज़ यू आर अ सिंगर. पर इसके दादाजी करने नहीं देते थे पहले. तो इसको मैंने मिमिक्री करते हुए देखा पहली बार. ये लोग क्या ना ये लोग करेंगे अपना कॉमेडी वॉमेडी जो भी करेंगे वो निकल जाएंगे लड़के. बट तुम्हारा क्या होगा ना पूरा इमेज जो है ना अनडिग्निफाइड हो जाएगा. सो यू शुड नॉट. थोड़ा चिचोरा लगता है ना वो सब. यू शुड आल्सो नॉट फोर्स है ना. शी इज अ टैलेंट. शी इज अ सिंगर. सिंगर नहीं अपनी मन से करते हैं. फोर्स तो नहीं करते. हां जी फोर्स तो कभी नहीं करते. बट इट फील्स ऑड बिकॉज़ यू हैव सच अ ग्रेट टैलेंट. जैसे कि जैकेट जोर से पकड़ी इसलिए तो नहीं. मेरे साथ ठीक है जी. बट यू नो डूइंग दिस इन शोज बिकॉज़ आई थिंक बाकी में मैं देखा एक दो बार. बट कम्स ओवर ना देन इट डजंट लुक नाइस. इट वाज थोड़ा ओवर हो गया. यू शुड जस्ट होल्ड बैक. मे बी योर पेरेंट्स एंड ऑल दे विल आल्सो इन द सीट दे डोंट लाइक इट. नहीं ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छी परफॉर्मर है. सुगंधा के लिए जोरदार तालियां. बहुत क्यूटली किया तूने. इतना अच्छा किया ना. कैन आई डू दिस ए मेरा दिल वंस मोर विद द प्लीज. अब बहुत खराब हूँ. सुगंधा के लिए जोरदार तालियां आ जाए यार. अब आपके सामने हिस्ट्री की सबसे मोटी लड़ाई. अब अब्बर तू आलिया के साथ लड़ेगी. पहले वजन तो कम कर पहले जाके पागल कहीं की. देखिए शाहरुख खान जी आजकल जो बैंक के एम्प्लॉयज जिस तरह अपने दोस्तों को इग्नोर करते हैं ना उसी तरह हम इस मनुष्य को आज इग्नोर करेंगे. ओके. मनुष्य. देखिए लड़ाई के लिए तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ लेकिन सबसे पहले मैं जरा अपने कुल गुरु को याद कर लूँ. कुल गुरु. ये
ये ही शाहरुख खान की। आपके कुल गुरु कैसे हुए? ये इतने कूल हैं तो हो गए ना मेरे कुल गुरु। अच्छा बड़ी बात ये भाई, इसको जंग में गर्दन कटने का डर ही कोई नहीं। क्यों? है ही नहीं, देखो। तो चलिए जंग के लिए तैयार हैं आप? अच्छा हम क्या कर रहे हैं पर? इट्स अ फाइट, फ्री फ्री फाइट, फ्री फाइट। अच्छा फाइट से पहले यूजुअली स्ट्रेचिंग करते हैं। ओ हाँ। आप प्लीज आ जाइए सपोर्ट के लिए। क्या करना है? बस थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अपर बॉडी यूज करेंगे ना फाइट में आर्म्स, तो थोड़ा सा शोल्डर ऐसे स्ट्रेच कर देना। हो गया? हैं? शोल्डर स्ट्रेच करना है। ये स्ट्रेच तो मैंने भी कभी नहीं देखा। क्या किया आपने? एक बार मैंने शायद कुछ गलत देख लिया है। कभी किया ना तुमने फाइट में? किया ऐसे? नहीं नहीं। देखो अपर बॉडी यूज करोगे ना ऐसे, हाँ, ऐसे फाइट ऐसे करेंगे। जाएगा करेक्ट? हाँ। तो शोल्डर को स्ट्रेच करना पड़ेगा। रबड़ की बनी है क्या? अच्छा ठीक है फाइन, ठीक है फाइन। घुटने भी यूज करते हैं राइट? बेंडिंग करके, यू नो यू हैव टू गो डाउन एंड अप, तो नीज को भी स्ट्रेच कर लेते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए। स्ट्रेच करना पड़ेगा नी को बहुत। सॉरी मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से फाइट करती हूँ, तो अगर स्ट्रेचिंग ने ना हो पाए तो आई डोंट थिंक फाइट होना चाहिए। तू स्क्रैचिंग कर ले, तेरी स्ट्रेचिंग तो हो ही नहीं, वो तो जरूरत से ज्यादा फ्लेक्सिबल है कुछ। ये थोड़ा आपका, आपकी बॉडी सब कैसे कर लेती है। ठीक है जाने से पहले फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं हार मानती हूं। ओके मैं आपको जाने से पहले हरा दूंगी। ओके ये हरा है। मैं हार गई। आलिया जी, ना तो मैं नाचूंगी ना ही मैं गाऊंगी। क्या करोगी? तो फिर हम क्या करेंगे नानी? फिर भी तुम हार मान लोगी, पता है कैसे? कैसे? सामने आ। आलिया, आज सबको पता चलेगा किस खेत की मूली हूं मैं। आलिया ये फेस ऑफ नहीं, टेक ऑफ करेगी इसके बाद। गैस भर रही है। नहीं नहीं मैं हार मान गई नानी, मैं हार मान गई। यू आर द विनर आज। स्टीम निकलने लग गई उसके अंदर से। इतनी कड़वी होगी मूली? नहीं चढ़ गई ऊपर। देखा मेरे बादशाह, रख देती हूँ वापस से प्लीज। अब कुछ समझ में आया? सब समझ आ गया मुझे। अखबार कितना भी पुराना क्यों ना हो, वेस्ट कभी नहीं होता। एब्सोल्युटली। अरे कुछ नहीं तो डायपर बांधने के काम तो आ ही जाता है ना। अच्छा आलिया को हरा दी तो इसके बदले में क्या इनाम देगा बोल? हमारा सिलसिला ना प्यार का, तो हाँ। हमारा प्यार खत्म करवा दो। दिल से दुआ देती हूँ मेरे बादशाह। बात मत कर यार। दिल से दुआ देती हूँ बादशाह। दूर से दुआ दे, दूर से, दिल से मत दे। दिल से दुआ देती हूँ बादशाह, तक कयामत तक चमकता रहे। थैंक यू I'm very sorry. As a doctor, I am sorry. आराम से जाइए। क्या एक तो तुमने टांग अड़ाई है,
ऊपर से मैं आलिया जी के ऊपर गिर जाता, इन्होंने मेरे को धक्का मारना, तो मेरे को धक्का मारने के लिए आया हूं मैं यहां पे। हेलो करो, मेहमान आए। हेलो, आई एम सॉरी, आई थॉट सम अदर बादशाह इज कमिंग, द बादशाह ऑफ बॉलीवुड इज हियर, आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई एम रियली, हेलो क्वीन, यू आर ब्यूटीफुल इन द क्लोज अप आल्सो, दैट्स वेरी नाइस। What a busy day. मैं तो ये 100 किलो का पहन के घूम रहा था, ऐसा वार वार होगी, बट कुछ हुआ नहीं। बट मेरे पास भी आपके लिए सरप्राइज है, you know. I don't know, अगर मालूम होता तो सरप्राइज कैसे होता? आपको तो डॉक्टर होना चाहिए। You are in Bollywood. मैं हूँ। और आपको चमगादड़ होना चाहिए। बाल देखिए आपके, अपने How can a man see himself? आप तो बहुत समझदार निकले हैं इस मामले में। बाल देखे हैं आप? देखिए मेरे बाल, मैं क्यों बाल देखूं? बाल देखूं आप कैसे? मैं तो बाल बच्चे देखूंगा आपने। ओके, तोप में ना बारूद नहीं है। सम अदर आइटम फॉर यू। ओके, ब्रिंग इट ऑन। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू द टारगेट ऑफ इट ऑन यू। आर यू रेडी फॉर द अटैक? आई एम रेडी। शाहरुख भाई और आलिया भट्ट के लिए। शाहरुख भाई, आलिया, आपके लिए वो जो झांसी से भाई साहब बड़े खूबसूरत गिफ्ट लेके आए थे, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से उनको एक खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट करें। थैंक यू वेरी मच। शाहरुख भाई, एक सेल्फी आपके साथ और आलिया के साथ। And what about me? आप get out. Thank you, Sharuk bhai. Thank you very much. Sharuk bhai, आलिया आपको dear जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you. और आप जब भी आते हैं Sharuk bhai, चार चांद लग जाते हैं हमारे शो के। The pleasure is ours. और साथ में आप हमेशा कोई ना कोई चांद लेके आते हैं। Thank you, आलिया। और मैं चार अपने दर्शकों को आप dear जिंदगी के बारे में बताइए आपकी। मैं ज्यादा बोलूंगी ना, रिलीज हो गई है तो आप घर पे मत बैठो, आई मीन ये शो देखने के बाद आप जाओ या कल बुक कर लो टिकट, पर जाइएगा जरूर, फैमिली को लेके जाइए, फ्रेंड्स को लेके जाइए। थैंक यू आलिया, थैंक यू भाई। और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।